नया भोजपुर और बक्सर से मिले दो और कोरोना पॉजिटिव मरीज। बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 225। पटना आगम कुआं शीतला माता मंदिर में कोरोना महामारी से बचाव के लिए किया गया हवन। पटना के मनेर गंगा घाटों पर जल संसाधन विभाग द्वारा खुलेआम लॉकडाउन कानून का किया जा रहा उल्लंघन। विक्रम थाना के अख्तियारपुर में राम बाबू मोची के गेहूं के टाल में अज्ञात लोगों ने लगाई आग। गरीब परिवार का रो रो कर हुआ बुरा हाल। मनेर में सोशल डिस्टेंसिंग की लोगों में नहीं है परवाह। बाजारों में लोग सोशल डिस्टेंस की उड़ा रहे धजियां। विक्रम विधायक सिद्धार्थ सिंह नौबतपुर के कई गांवों में जरूरतमंद सैकड़ों लोगों में भोजन के पैकेट का किया वितरण। बिहार से बाहर फंसे बिहारी मजदूरों के लिए सरकार पर जमकर बरसे बिहार मुक्ति मोर्चा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश कुमार ताती। एक तो प्रधानमंत्री चौकीदार है, दूसरे तो पूरे बिहार के चौकीदार का अपमान हो रहा है। न्यूज प्राइम 24 के खबर का जोरदार असर। फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाकर नेताओं पर आपत्तिजनक पोस्ट वायरल करने के आरोप में आदिल मिर्जा को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अरवल जिले के कुर्था में मगध आयुक्त असंगवा चुआ आओ ने कोरोना को लेकर हुए सील। अरवल जिले के सभी सीमाओं का किया निरीक्षण। नवादा जिला अधिकारी यशपाल मीना ने जन प्रतिनिधियों और अधिकारियों संग किया बैठक। डोर टू डोर जीविका दीदी जाकर राशन कार्ड की लेंगी जानकारी। नवादा जिले के गोविंदपुर थाना के रामपुर गांव में जीविका महिला कर्मी पिंकी देवी के साथ घर में घुसकर पवन यादव ने किया मारपीट एवं छेड़खानी। मामला हुआ दर्ज। नवादा समाहरणालय सभागार में डीएम की अध्यक्षता में रमजान को लेकर की गई शांति समिति की बैठक। नवादा जिला प्रशासन ने गर्मी के दस्तक देते ही पेयजल समस्या से निपटने के लिए कसी कमर। डीएम ने चलंत चापाकल मिशनरी टीम को हरी झंडी दिखाकर समाहरणालय से किया रवाना। नवादा जिला अधिकारी यशपाल मीना शहर में बने आइसोलेशन सेंटर एवं क्वारंटाइन सेंटर का किया निरीक्षण। नवादा जिला अधिकारी ने कोविड 19 से संबंधित विभिन्न कोषांगों के प्रमुख के साथ किया बैठक, दिए कई आवश्यक दिशा निर्देश। नवादा के नारदीगंज में प्रधान सहयोगी संस्था एवं जीविका के संयुक्त तत्वाधान में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी अत्यंत गरीब दीदियों के बीच सूखा राशन किट एवं मास्क का किया गया वितरण। बेलगाम ट्रक ने बाइक सवार बाप बेटे को रौंदा, बाप की मौके पर मौत, बेटा घायल। पटना से बिहटा आने के दौरान अहियापुर मुसहरी के पास हुआ हादसा।